साथियों नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेफरेंस टैब के इंसर्ट कैप्शन, मैनेज ऑप्शन स्टाइल एंड बायोग्राफी, साथ साथ इंसर्ट कैप्शन और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर और इन सभी ऑप्शन, क्रॉस रेफरेंस, अपडेट टेबल, आज इन ऑप्शंस के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको होम टैब के एक एक ऑप्शन की पूरी जानकारी दी, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब की पूरी जानकारी दी है। अगर आपको ये वीडियोस नहीं मिल रहे हो तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, जहां से आप बहुत ही आसानी से खोज पाएंगे और फिर उसको भी आप देख के सीख पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एकदम डीप नॉलेज देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने रेफरेंस टैब में कल यहां तक हमने पूरी क्लास कंप्लीट की थी, आज हम बात करेंगे इंसर्ट सिटीजंस, इसका यूज क्या होता है और कैसे करें। जैसे अब मान लीजिए कि आपने क्या किया, यहां पे ऐड न्यू कर दिया, ऐड न्यू सोर्स या ऐड न्यू प्लेस होल्डर। तो पहले हम सोर्स को ऐड करते हैं, फिर बाद में प्लेस होल्डर को ऐड करेंगे। अब आप किस टॉपिक पे यहाँ पे अपना क्रिएट सोर्स तैयार करना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए जर्नल आर्टिकल्स है या जो भी है, आप यहाँ पे वेबसाइट है, किससे रिलेटेड आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं। मान लीजिए आप फिल्म इंडस्ट्री से है तो आप फिल्म को ले सकते हैं, इंटरव्यू, तो यहाँ पे आप देख लीजिए अलग अलग किसमें आपको तैयार करना है। तो चलिए हम बुक पे तैयार कर लेते हैं, बुक कर लिया। फिर अब यहाँ पे हम डालते हैं ऑथराइज्ड किसके माध्यम से है। तो जैसे मान लीजिए है आपके पास कोई, एडिट करके आप डाल लीजिए यहाँ पे नाम। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे क्रॉप ऑथराइज कर दीजिए। तो अथर कौन है, अब यहां पे हम लिखे, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा बुक इंस्टॉल और टाइटल क्या देना चाहते हैं। टाइटल मान लीजिए मिश्रा बुक डिपो। अब यहां पे ईयर, कौन से ईयर के लिए, तो ईयर डाल दीजिए। आपका सिटी कौन सा है, सिटी आप डाल दीजिए, सिटी हम यहां पे डाल देते हैं। फिर पब्लिशर कौन है, पब्लिशर का नाम डाल देते हैं। फिर उसके बाद वैल्यू यहां पे क्या देना चाहते हैं, फर्स्ट। अब फिर हम कर देते हैं ओके। तो ओके करने पे यहां पे बुक इंस्टॉल करके पूरा आ गया। अब हम आगे इसमें चीजें ऐड कर लें, अपना जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो आप लिख लीजिए और लिख के इसको पूरा तैयार कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। अब हमने ये टाइप कर लिया और टाइप करने के बाद आगे मान लीजिए कि हम इसमें प्लेस होल्डर लगाना चाहते हैं, तो ऐड न्यू प्लेस होल्डर करके यहाँ पे हम जो भी प्लेस होल्डर लगाना चाहते हैं तो प्लेस होल्डर का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि आप कुछ नहीं करना चाहते तो आप एड्रेस ही ऐड कर दीजिए। तो हमने ये एड्रेस ऐड कर दिया, ओके कर दिया, तो इस तरह से यहाँ पे प्लेस होल्डर का नाम आ जाएगा। तो अब यहाँ पे बटन पे क्लिक करके आप उनसे रिलेटेड डिटेल्स को देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें मैनेज सोर्स की, तो मैनेज सोर्स क्या करेगा, मैनेज सोर्स जो हमने यहाँ पे सोर्स ऐड किए हैं उन सोर्स को ये हमें व्यवस्थित करने की सुविधा देता है। जैसे हमने यहाँ मैनेज सोर्स पे क्लिक कर दिया तो अब देखिए यहाँ पे हमने दो सोर्स तैयार किए हैं, एक मिश्रा बुक डिपो का और दूसरा विवेक बुक्स का। अब हम किसका चाहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से इसको डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम बैक कॉपी कर देंगे तो ये जो कॉपी हुआ है ये हट जाएगा इसमें से, तो हमको हटाना नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहां से हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसे क्लिक करिए वो डिलीट हो गया। अब फिर ये बचा है, इसको भी डिलीट करना चाहते हैं इस पर क्लिक करिए ये भी डिलीट हो जाएगा। तो हमने इसको ऐसे ऐड कर दिया। अब हम बात करें यहाँ पे ये मैनेज है, दूसरा स्टाइल,
स्टाइल किस तरह से चाहते हैं, शॉर्ट नेम, टाइटल, यहाँ पे अलग अलग स्टाइल दी हुई हैं, उनको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो देखिए ये तुरंत चेंज हो गया, जिस स्टाइल को हमने यहाँ पे सेट किया ये उसी स्टाइल में हमारा टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से बायोग्राफी, कैसी बायोग्राफी चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ज्यादा तो ऐड किया नहीं था कैप्शन में, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे वो बायोग्राफी ऐड करना चाहते हैं। तो आप बायोग्राफी पे आ गए, यहाँ पे बायोग्राफी कैसी चाहते हैं, इस तरीके से आप जिस तरीके से चाहते हैं आप क्लिक करिए, आपने जो बायोग्राफी ऐड की थी वो आ जाएगी यहाँ पे। देखिए मिश्रा बुक डिपो, ये पूरा रानी प्रतापगढ़ करके पूरा एड्रेस यहाँ पे जो भी था वो आ गया। इस तरीके से आप बायोग्राफी भी ऐड कर सकते हैं और इसमें आप स्टोर कर सकते हैं, वन क्लिक में आप पूरा का पूरा इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे, ये तो था सिटीजन्स, अब हम बात करें यहाँ पे कैप्शन की। तो इंसर्ट कैप्शन का यूज क्या होता है, तो कैप्शन क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे कैप्शन किया, अब मान लीजिए कि आप कोई कैप्शन यहाँ पे डालना चाहते हैं, जैसे हेडिंग होती है, टाइटल आप डालते हैं, तो वो आप टाइटल डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम न्यू लेबल कर देंगे। अब न्यू लेबल करके हमने यहाँ पे मान लीजिए डाल दिया बुक डिपो, अब ओके कर दिया, तो यहाँ पे बुक डिपो वन बन जाएगा। अब हम इसको ओके करेंगे तो ये पेज में इंसर्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपने कहीं और भी, अब हमने इसको इंटर किया, चलिए इसको अलग अलग पेज पे कर देते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब फिर दूसरा कैप्शन इंसर्ट करते हैं बुक डिपो टू, फिर अगर तीसरा भी आप ऐड करना चाहते हैं तो आप तीसरा भी कैप्शन ऐड कर सकते हैं, तो चलिए हम तीसरा कैप्शन भी ऐड कर देते हैं। ऐसे यहां पे आके इसके शुरुआत में वन टाइम इंटर करके फिर अब हम चलते हैं अगला कैप्शन ऐड कर देते हैं, तो कैप्शन वन हो गया, ये वन, दूसरा हो जाएगा टू और ये तीसरा हो जाएगा थ्री, ये हो गया। अब हम एक पेज और लेते हैं, नया पेज, तो हमने एक नया ब्लैंक पेज लिया और कर्सर को यहां पे रख दिया। अब इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, तो टेबल ऑफ फिगर्स पे हमने क्लिक किया, हम कैसा फिगर चाहते, कैसा टेबल चाहते, तो हमने यहाँ से ये ले लिया, और अगर आप डॉटेड लाइंस कैसा चाहते हैं यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर लीजिए। सेटिंग करने के बाद हम ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से जितने भी हमने कॉलम बना रखे थे, जैसे कैप्शन वन, बुक डिपो वन, बुक डिपो टू, बुक डिपो थ्री, यहाँ पे हमने तीन कैप्शन तैयार किए थे, तीन के तीनों कैप्शन यहाँ पे आ गए। अब हम कौन से कैप्शन पे जाना चाहते हैं, पहले पे, तो पहले वाले लाइन पे कंट्रोल दबा के क्लिक कर देना है, तो पहले बुक डिपो वन पर आ गए। इसी तरीके से अगर हम बुक डिपो थ्री पर जाना चाहें तो कंट्रोल दबा के तीसरे वाले पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिक हम बुक डिपो थ्री पर आ जाएंगे। इसी तरीके से अगला जो ऑप्शन है वो है क्रॉस रेफरेंस का। क्रॉस रेफरेंस का यूज हम कैसे करें और किस तरह से करें, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे इस वक्त हमारा जो कर्सर है वो देखिए आप पेज नंबर चार पे है और यहाँ पे हमने रख रखा है। अब हम ऊपर चले आते हैं और अब हमें वो कर्सर ढूंढना है, पहला काम, तो क्रॉस रेफरेंस करेंगे तो जहां भी वो कर्सर होगा ये हाईलाइट होने लगेगा। अब फिर उसके बाद क्रॉस रेफरेंस के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे रेफरेंस टाइप किस तरीके का, बुक डिपो, तो जहां जहां बुक डिपो वन टू थ्री कौन से बुक डिपो को इंसर्ट करना चाहते हैं इंसर्ट कर लीजिए, तो वो जहां पे आपने कर्सर रखा होगा वहां पे इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप बुक डिपो वन इंसर्ट करना चाहते हैं बुक डिपो वन आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम दिखाते हैं आपको, हमने क्या किया यहां से इंटर किया, एक नया पेज आ गया। अब फिर उसके बाद आते हैं हम क्रॉस रेफरेंस पर, यहाँ पे हमने रेफरेंस में बुक डिपो को सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पे कौन सा चाहते हैं तो इसको क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया, तो ये बुक डिपो वन आ गया। अगर आप इंसर्ट करेंगे बुक डिपो टू आ जाएगा, फिर इंसर्ट करेंगे बुक डिपो थ्री आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से हम क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं एंट्री, इंसर्ट और इन सारे ऑप्शन के विषय में। नेक्स्ट हम आपको आपका खत्म करेंगे रेफरेंस टैब, फिर मेलिंग टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब, इनके विषय में हम आपको पूरा बताने वाले हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो
और आपके लिए नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।